इस समय अगर हम बात करेंगे तो अरुण जी की, जो कि सरपंच जीते आवाम ने जताया, और बात करेंगे जिस तरह से डीडीसी इलेक्शन की, तो इस तरह लोगों ने जो है इन्हें जो कि मजबूर किया है कि आप कैंडिडेट बने हमारे और हम आपको वोट एंड सपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे, जिस तरह से लोगों ने, सरकार ने जिस तरह से, ये तीसरी बॉल है, दो बालें जो हैं अरुण जी जीत चुके हैं, एक सरपंची की और एक चेयरमैन की, अब ये तीसरी गेंद आखिरी हैट्रिक है, देखते हैं आवाम जो है किस तरह से इनको हैट्रिक तक पहुंचाती है। और लोग जो भी फॉर्म भरते हैं, जिनका पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता, कहते हैं मैं आज़ाद हूं, लेकिन आज एक मज़े की बात, ये अरुण जी कह रहे हैं कि सुंदरवानी आवाम पार्टी, जी हाँ, अगर सुंदरबानी की पार्टी लोग जो हैं जिस तरह से अरुण जी को संबोधित कर रहे हैं और शाना बशाना साथ चल रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि ये तीसरी बाल को किस तरह से खेलेंगे। और जो दिग्गज नेता हैं, कहीं ना कहीं कहते थे कि बाप बेटे की सरकार, और एक तरफ कहते थे बेटी बाप की सरकार, तो आज जो नॉमिनेशन भरे जा रहे हैं उसमें लगता है कि भाभी और देवर की सरकार। क्या ये वो बातें भूल गए जो कहते थे कि एक ही घर में ही जो है कैंडिडेट दिए जाते हैं? तो कहीं ना कहीं हमारी एक पार्टी है, हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जनता जानती है कि वो किस तरह से उन्होंने अपनी भाभी को जो है टिकट दी है। क्या वो विरासत समझेंगे? एक तरफ कांग्रेस को कहते हैं, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ कांग्रेस को कहते हैं कि वो अपनी ही जो घर के लोग हैं उनको प्रमोट करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो 70 साल उन्होंने राज किया, लेकिन उन्होंने 70 साल में ये सोच बनाई, लेकिन इन्होंने 6-7 साल में सोच बना ली कि हम भी मिनिस्टर होंगे, हमारे घर वाले भी मिनिस्टर होंगे। जी आइए बात करते हैं, हमारे साथ हैं अरुण जी जो कि एक समाज कार्यकर्ता हैं, और हमारे सूत्रों के अनुसार जेके न्यूज ब्रेक इनको मुबारकबाद देता है कि जिस तरह से इन्होंने दो बालें खेली हैं, लोगों ने उसमें साथ दिया है, तीसरी बाल का भी ये ऐसा बिगुल बजाएं ताकि लोग देखते रह जाएं कि बाल कहां गई और हैट्रिक बन जाए। जी अरुण जी बताइए। जेके लाइन का बहुत बहुत मुबारक है, वो इतने दूर से 80 किलोमीटर चल के सुंदरबनी की जनता की आवाज़ बनने के लिए आज यहां पहुंचे हैं, इसके लिए आपको बधाई है। बाकी आप जानते हैं, बाखूबी जानते हैं, बहुत बड़े जबरदस्त पत्रकार हैं आप, मैं आपको फेसबुक पे लाइव देखता हूं, और आप बुनियादी सतह के जो मुद्दे हैं, जमीनी सतह के जो मुद्दे हैं, बड़े बाखूबी आप उठाते हैं और लोगों के मसले हल करते हैं, इसके लिए आपको बधाई है। बाकी आपने एक ही सांस में जो है वो इतना कुछ गिना दिया है, अब उसके ऊपर मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, ये तो पार्टियों की अपनी नीति रीति रहती है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, जो लोग ये बोलते हैं कि फलानी पार्टी ने ये किया, फलानी पार्टी ने ये किया, उनको ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैं एक उंगली उनके ऊपर उठाऊंगा तो 3 उंगलियां जो है वो अपनी साइड भी है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी जी। मैं नाम ना लेते हुए, जी जी, अगर मैं एक उंगली आप पे उठाता हूं तो 3 उंगलियां जो है वो मेरे पे भी जाती हैं। किसी के ऊपर कटाक्ष करना, किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना आसान है, लेकिन जब आप उसको इंप्लीमेंट करो, आप देखिए जिन लोगों ने सिर्फ क्रिटिसिज्म की राजनीति करके हिंदू मुस्लिम को आपस में दूर रख के, जम्मू कश्मीर को आपस में दूर रख के पिछले 50 वर्ष राजनीति की, तो कहीं ना कहीं पिछले 7 सालों से कोई उनसे सवाल ये नहीं पूछता कि जो आप कह रहे हैं वो 6 साल में 7 साल में आपने क्या किया है, आप बताइए। मैं अगर आप भेदभाव की बात आपने की, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितना भी यूथ है जम्मू कश्मीर का, जितना भी बुजुर्ग है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जितनी भी लिस्टें निकली हैं, चाहे वो टीचरी की लिस्ट निकली, चाहे वो पीएससी की लिस्ट निकली,
चाहे वो पुलिस की लिस्ट निकली, चाहे वो किसी तहसीलदार की लिस्ट निकली, कभी चाहे वो नायब तहसीलदार की लिस्ट निकली, चाहे वो बैंक के पीओ की लिस्ट निकली, आप उन लिस्टों को देख लीजिए कि 80% और 20% की रेशो है। वो रेशो इनके राज की है। पहले तो फिर भी 60-40 होता था, लेकिन इनके राज में 20%। एक बात और बता दूं मैं जेके टाइम्स को कि एक एसपीओ जो होता है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो एसपी होता है, वो पुलिस का सबसे छोटा एक मुलाजिम है, पैरामिलिट्री फोर्स का छोटा सा मुलाजिम है। 10,000 पोस्टें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दी, उसमें से आपने 2,000 की पोस्टें दे दी कहां, जम्मू में, और 8,000 की पोस्टें आपने दे दी कश्मीर में। दी किसने? इन भाजपा के जो 25 जो है ना वो लोटे, ये 25 लोटों ने। हम मोदी साहब की कदर करते हैं, मोदी साहब को सल्यूट करते हैं, माता दी मोदी साहब को सल्यूट करते हैं और कदर करते हैं। जेकर मोदी साहब के नाम पे यहाँ सुंदरबनी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो शैडो पॉलिटिक्स हो रही है, ये अपना खानदान भर रहे हैं, अपने कुंभे भर रहे हैं। एक एक जो एक आम आदमी था, इन जनता ने, जितनी जनता जनार्दन है, इन्होंने जिस आदमी को कोई जानता नहीं था, चाहे वो आप कठुआ को ले लो, चाहे आप बिलावर को ले लो, चाहे आप खोड़ को ले लो, चाहे रजौरी में ले लो, लोगों ने सिर पे बिठाया इन लोगों को। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ग्राउंड सतह पे क्या किया? मैं सुंदरबनी से चुनाव लड़ रहा हूं बीटीसी का, मैंने नहीं चुनाव लड़ना था। मैंने देखा हमारा ब्लॉक शिवखोड़ी से लेके मीनका महादेव खत्म होता है, पूरे सुंदरबनी के अंदर एक रोड सड़क पड़ी, एक रोड में लुक पड़ी, वो है लेतर से अथल। 2 महीने के बाद उस रोड की क्या हालत हो गई, कोई रोड देख लीजिए आप, किसी भी लेवल पे जाइए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, हर डिपार्टमेंट का बुरा हाल है। तो हमने कुछ नहीं किया बीटीसी चेयरमैन बन के, हमने सिर्फ चौकीदारी की है, हमने देखा पिछले 5 वर्षों में क्या हुआ है। ये जितने भी मेरे बीटीसी के टीम मेंबर हैं, हमने इनको एक बात बताई थी कि हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है हम उसको सीधा कर देंगे, हम डी ट्रैक पे आ जाएंगे। जो पिछले 5 वर्षों से व्यवस्था जो है वो जो डी ट्रैक हुई है उसको हम ट्रैक पे ले आएंगे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, चाहे वो शहरी कल्चर हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आज आप कहीं भी चले जाइए, बिजली के मुद्दे की बात करेंगे। मैं पिछले 1 साल से बीटीसी चेयरमैन हूं, मैं जहां भी देखता हूं, जहां हर जगह खंभे पड़े हुए, वो तार कहां चली गई, करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। जो सौभाग्य योजना सरकार ने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हर पंचायत में, लेकिन वो खंबे तो आए, वो तार कहां गई? हमने आके पूछा, हमने आके जांच की, वो तार कहां है भाई? तार का कोई जवाब नहीं। हमने लोगों से पूछा, डिपार्टमेंट से पूछा, तार कहां है? तो हमें 2 महीने लग गए ये पता करते करते कि भाई तार कहां है, तार तो इन्होंने भेज दी। आपने रोडों के प्रोजेक्ट लाए, आपने रोडों के प्रोजेक्ट लाए, रोडों में जेसीपी लगा के पूरी लोगों की जमीनें काट दी, उसमें बजरा कौन डालेगा, उसमें लुक कौन डालेगा, लुक भी आपने खा ली, फिर बड़ा प्रेशर डाल के हमने बजरा डलवाया, अब लुक कौन डलवाएगा? इन्होंने टोटल पिछले 5 सालों से इन्होंने सिर्फ अपने घर भरे हैं। मैं अब आप ज्यादा क्या करूंगा, अगर आप डिपार्टमेंट वाइज करेंगे तो 2 घंटे लग जाएंगे आपको। अरुण जी, जिस तरह से आपने बात की हमसे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर बात की जाए तो इलेक्शन का बिगल बज चुका था, लेकिन आप कहीं ना कहीं साइलेंट थे। मुझे लगता है कि आवाम ने आपको जो है कहा है कि आप आगे आए, हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने चुनाव नहीं लड़ना था, मैंने पहले ही बोल दिया है। हमने 1 महीना हमें लग गया लोगों के बीच में, पंचायत वाइज जाके हमने लोगों से राय ली क्या किया जाए। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं कि सुंदरबनी में भाजपा के पिछले 5 वर्षों से नेता रहे हैं,
कहीं ना कहीं हमने सोचा चलो ठीक है, सरकार की रीति नीति है, अब देखते हैं कोई ऐसा होनेस्ट ईमानदार, कोई गरीब किसान का बेटा जो है शायद किसी को मैंडेट मिल जाए। लेकिन जब हमें पता चला कांग्रेस भी है, एनसी भी है, पीडीपी भी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमने धीरे धीरे लोगों के बीच में गए, हमने पूछा क्या करना चाहिए। जब सबके मैंडेट सामने आए तो हमने सोचा और लोगों का हमें प्रश्न आया, एक राय बनी। बीडीसी का 250 मेंबर है, साथ में हर पंचायत के अंदर हमारी डेवलपमेंट कमेटी है। हमने सबसे पूछा कि क्या करना चाहिए, लोगों ने कहा कि आपको चुनाव में उतरना चाहिए। तो हमने लोगों की राय को अपने गले का हार बना लिया, इससे ज्यादा कोई राय नहीं है, कोई हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं है, कोई इतना बड़ी हमारे कोई बीजेपी भी हमारे पास आई, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आखिर इंडिपेंडेंट बीडीसी चुनाव जीता है हमने, इन लोगों की चरणों की धूल है हम, हमें कैटेगरिकली आपका लाइव चल रहे हैं, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। हमने शैडो पॉलिटिक्स नहीं की है, हम ना ही शैडो पॉलिटिक्स करेंगे। हमने बीडीसी हम काफी थे, इक्वल टू डीसी की पोस्ट होती है, डीडीसी का तो पता ही नहीं है, लेकिन हम नहीं चाहते कोई ऐसा चोर करप्ट बेईमान इंसान यहां डीडीसी का मेंबर बन के, डीडीसी का चेयरमैन बन के आ जाए। जिस तरह से अरुण जी ने हमसे बात कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने पार्टियों की बात की, लगातार जो है गुमराह करती रही इन लोगों को, और इन लोगों का एक फैसला है कि अब हम कोई पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, हम सुंदरबानी की आवाम जो है वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे ताकि सुबह शाम उनके पास जा सकें और अपने जो भी काम है वो करवा सकें। हम बताना चाहेंगे जेके न्यूज ब्रेक की तरफ से, जेके न्यूज ब्रेक उसी आदमी को प्रमोट करता है जो कि वजन रखता है, जो ताकत रखता है, जो अपने लोगों के काम करता है। अरुण जी की बात करें तो हमने कई बार अपने चैनल के माध्यम से आपको बताया कि वो बराबर जो है लोगों के साथ आते जाते, खासकर जिस तरह से गवर्नर के एडवाइजर आए हुए थे और उन्होंने इतना बड़ा पर्चा बना कर रखा था, मुझे लगता है कि जितने लोग आए थे उनके पास उतने पेज नहीं थे जिन्होंने ये काम रखे, और बोला कि क्या हमें सिर्फ टैग लगाना था, काम नहीं करना था। ऐसे व्यक्ति को देखकर हमारा जो चैनल है ऐसे आदमी को प्रमोट करता है। और अरुण जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप लोगों को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर दो बाल इनको खिला दिए हैं, तीसरे बाल हैट्रिक करें ताकि ऐसा आदमी आए और आपको भी पता चले कि डेवलपमेंट में। आखिरी में हम अरुण जी से एक बात करना चाहेंगे कि जिस तरह से आवाम आज आपको आगे कर रही है और आप आए हैं, लेकिन कुछ लोग आपने जिस तरह कहा छड्डो लेकर चल रहे हैं, वो दिल्ली की बात करते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी ने ये किया, वो सुंदरबानी राजौरी और नौशहरा की बात क्यों नहीं करते कि हमने वहां पे डेवलपमेंट की है, वो बताए ना क्या काम किए हैं तभी लोगों के साथ वोट मांगने आए। वो कहते हैं, वो सिर्फ कहते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। भाई नरेंद्र मोदी तो कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया है? जनता पूछती है, जेके न्यूज पूछता है, आपने ग्राउंड लेवल पर क्या किया है? सिर्फ आपने ही कैंडिडेट तैयार किए हैं। आइए लास्ट में अरुण जी से बात करते हैं और पूछते हैं कि लोगों से क्या अपील करेंगे, अपील क्या करेंगे, लोगों ने इन्हें खुद खड़ा किया है, आइए सुनते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहते हैं, जितने भी मेरे साथी खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, कि हम इनकी चरणों की धूल हैं और हमें हमारा कोई मिशन नहीं है चुनाव लड़ना। एक बात कैटेगरिकली बता देना चाहते हैं, इस चुनाव लड़के चाहे सरपंची का हो चाहे बीडीसी का हो, हमने जिंदगी की सबसे कीमती चीज जो है वो खोई है, वो हमने अपने जिंदगी का जिगर का टुकड़ा जो है हमने उसको खोया है। तो हमने, हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा वन पॉइंट मिशन है लोगों की सेवा करना, दिन रात लोगों के लिए एक करना, चाहे जो जो हो जाए, हम लोग
हम लोगों से पूछना चाहते हैं, हम उन नेताओं से पूछना चाहते हैं, वो कहाँ है? आपने 5 साल का जवाब लोगों को हिसाब दे दो। मोदी साहब हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं, मोदी साहब ग्रेट हैं, ग्रेट थे, लेकिन ये चोरू ने क्या किया है? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जिस तरह से अरुण जी ने हमसे बात की, हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितने लोग इनके साथ हैं। अरुण शर्मा आ गया, आ गया भाई, आ गया। अरुण शर्मा आ गया, आ गया भाई, आ गया। अरुण शर्मा आ गया। अच्छा, तो सारे रिपोर्टर थोड़े चैनल में चले गए। अरुण शर्मा आ गया, अच्छा आ गया भाई, आ गया। अरुण शर्मा आ गया, अच्छा आ गया भाई, आ गया। अरुण शर्मा आ गया। सचिन जय। इस समय हमारे साथ हैं सुशील शर्मा जी। तो कहें तो हमारी एज भी अभी 45 ईयर एज हो गई है। तो हमने छोटे छोटे थे तो हमने सुशील जी के साथ चले और उन्होंने लोगों की जो समस्याएं हैं उनको हल किया और लगातार जो कि समाज के कार्य में अव्वल नंबर आते रहे। अगर हम बात करें तो कोई भी संस्था रही, इन्होंने कभी जात पात नहीं देखी और लोगों के साथ जो है अपना विश्वास बनाए रखा। और आज ये विश्वास की कड़ी का ये पल्लू है कि पहले सरपंच जीतना, फिर चेयरमैन जीतना, आज सुंदरवनी अवाम जो है ये आज़ाद कैंडिडेट नहीं, सुंदरवनी अवाम का कैंडिडेट। पहली बार आपने ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं मैं आज़ाद खड़ा हूँ, मुझे वोट दो, लेकिन सुंदरवनी की आवाम का जो चुनाव निशान ये है, सुंदरवनी की आवाम वो किस तरह से कुचली गई वो आपको पता है कि बड़े बड़े वादे किए गए, किस जगह से लोगों को जो कि गुमराह करके पहले कहाँ थे, फिर सोच कौन सी थी, कहाँ पहुँचे और आज वो पहुँच कर क्या कर रहे हैं। और आइए हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से सुंदरवनी की आवाम आपकी फैमिली को प्रमोट करती है तो इस पे श्रेय किसका है? श्रेय जनता जनार्दन का है, परमपिता परमात्मा को हम ये सारा श्रेय उनके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारा इसमें कोई लेश मात्र भी हमारा इसमें कुछ नहीं है, एक कण मात्र भी हमारा इसमें कुछ नहीं है, परमात्मा का सब दिया हुआ है। और जो जनता जनार्दन है इसका विशेष प्रेम जो है और वो हमें समय समय पर जो है वो रहता है और आशीर्वाद रहता है, हमारे बुज़ुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बड़ी संख्या में नौजवानों का और बच्चों का, तो उसका तो कहना ही क्या है। और ये सारा श्रेय हम जो है सुंदरवनी की और इस राष्ट्रभक्त जो पिछले 70 वर्षों से संघर्ष कर रही है, संघर्ष ही नहीं कर रही तो अपने जीवन का सर्वस्व बलिदान कर देने वाले और उसका भाव रखने वाले यह सुंदरवनी की यह राष्ट्रभक्त जनता, इसको मैं कोटि कोटि प्रणाम, इसका वंदन करता हूँ। सुशील जी, जिस तरह से अगर आज देखा आपने किस तरह से लोगों ने आपको सहयोग किया और लोगों ने ही, पहले तो बात करें तो अरुण जी का लड़ने का निश्चय ही नहीं था कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों के कहने पर और लोगों के दबाव पर आकर उन्होंने जो ये अपना बलिदान दिया है, ये एक बलिदान होता है कि लोगों की सेवा करना। आपने सत्य कहा
कि मुझे इन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए। मैंने कहा भाई ऐसा है कि मैं अभी एक संगठन का काम देख रहा हूँ, मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जम्मू कश्मीर लद्दाख संगठन महामंत्री के नाते दायित्व है, मुझे और भी जगह प्रदेश में कई लोगों को चुनाव लड़वाना है। यहाँ लोग अन्याय के शिकार हैं, पिछले 70 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमको कहीं न्याय मिले, वहाँ भी जाना है। इसलिए यहाँ का जनता का भी यही दबाव था कि आपके परिवार से कोई भी आ जाए। तो फिर सबने परिवार के लोग बैठे तो सबने निर्णय यही किया कि अरुण जी ऑलरेडी फील्ड में हैं, लोगों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं, एज ए सरपंच, एज ए BDC चेयरमैन, वो जब से वो सरपंच बने हैं और उसके उपरांत परमात्मा ने उनकी बहुत बड़ी परीक्षा भी ली है। उनका हमारे परिवार का एक बहुत ही सुंदर बेटा, बहुत ही समझदार बेटा, परमात्मा ने उसको बुला लिया, वो भी बहुत बड़ा कष्ट होता है, तो उस कष्ट को झेलने में ही परिवार खड़ा ही नहीं होता। लेकिन ऐसे में परमात्मा, परमपिता परमात्मा ही जो हिम्मत देता है, और अब वो जब से बेटा गया है तब से तो वो घर बैठते ही नहीं है। इस कोरोना के काल में आप देखिए, इस महामारी में जहाँ की प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक जो घरों से नहीं निकले, उन्होंने कहा कि आप घर में बैठे रहो, लेकिन हमारे इस बंदे ने, मैं कहता हूँ कि घर में क्या, कि इलाके में कहीं ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ वो नहीं पहुँचे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था यहाँ तक नहीं पहुँचे। मैं देखता हूँ कि रोज सुबह 6 बजे ही लोगों की लाइन लग जाती है घर में, और रात के 11, 12, 1 बजे उठता हूँ तो देखता हूँ अरुण जी फ़ोन पे बात कर रहे होते, सुबह 4 बजे उठता तो अरुण जी किसी की समस्या का हल करवाते। तो उनमें परमात्मा ने और उनमें ये शक्ति दी है कि वो घर घर की और लोगों की चिंता करने में व्यस्त, इसलिए हमने निर्णय किया कि उन्हीं को और जनता की अपेक्षा के अनुसार उन्हीं को मैदान में उतारा जाए, क्योंकि ये जनता की इच्छा है, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये जनता की इच्छा है, उसका हमने पालन किया है। जिस तरह से सुशील जी ने कहा कि एक जो परिवार में इनकी घटना घटी उसको लेकर दुखी थे, लेकिन जिस तरह से अरुण जी ने ये लोगों का जो निर्णय था उस पर खड़े उतरे हैं, वो खड़े हो गए, उन्होंने ये सोचा है कि हर सुंदरबनी क्या पूरा जो है खिता हमारा है, वो मेरा परिवार है, एक परिवार में अगर कोई दुख हुआ है तो मैं सभी को दुख नहीं देना चाहता, और इसीलिए उन्होंने लोगों की ये राय थी जो उसको अपने आप पे लिया, और फैमिली ने भी कहा कि कहीं ना कहीं अगर हमारी फैमिली को लोग प्रमोट करते हैं, एक विश्वास है, तो हमें ज़रूर उनके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, हमें लड़ना चाहिए और अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। और इसी पर अरुण जी लड़े, और बात करेंगे सुशील जी, इनका भी बड़ा दायित्व है, इनका इनको अगर देखा जाए तो यहाँ जम्मू से निकलते हैं तो पुंछ तक जाते हैं, छोटा छोटा बच्चा जो है सुशील जी के नाम से खुश होता है, और खास करें तो इन्होंने जो समय दिया है अपने समाज को, मैं तो कहता हूँ कि धन्य है वो माँ जिन्होंने सुशील जैसे, अरुण जैसे बेटे को जन्म दिया, जो मातृभूमि के लिए, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए नहीं, लोगों के चिराग जो हैं वो हमेशा सुरक्षित रहें, उनका चूल्हा जो है हमेशा जलता रहे, ऐसे जो लोग होते हैं बड़े दुनिया में कम होते हैं। और लास्ट में हम सुशील जी से एक बात पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने समाज कार्य किए हैं और अरुण जी जिस तरह से इस फील्ड में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव जो है आपका भी है, तभी लोग इस पर निर्णय ले रहे हैं। देखिए ठीक है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और हम किसी कर्म की कामना करके फल करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम जिस महापुरुष के शिष्य हैं, ऐसे महात्मा मंगत राम जी महाराज जिन्होंने जीवन भर में अन्न ग्रहण नहीं किया, पवन आहार ही रहे, और उनके बताए हुए मार्ग पर हम लोग चलते हैं, इसलिए हम तो निष्काम कर्म में विश्वास रखने वाले हैं। उन्होंने फरमाया है, सत कर्म सत निश्चय निर्मल पांव विचार, मंगत समता धार के जीत चलो संसार। तो हम लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, अपने अग्रजों से, अपने वरिष्ठ जनों से, और अपने ऋषि मुनियों महात्माओं से, गुरुओं से, अपने माता पिता से हमें यही सीख मिली है कि हमने कोई कामना करके कर्म नहीं करना है। निष्काम भाव से परमात्मा ने हमको ये शरीर दिया है,
बुद्धि दी है, विवेक दिया है, जितना दिया है उतना हम उसका समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए जितना उसका उपयोग हो सके उतना हम करते हैं। और ये हम परमात्मा के और हम अपने परमपिता परमात्मा के आभारी हैं जिन्होंने हमको इस सन्मार्ग पर लगाया है, ये उनकी कृपा है। और दूसरा, ये जो जनता जनार्दन है, ये इनका प्यार है जो हमको घर में बैठने नहीं देता। अगर असल में देखें तो ये जनता जनार्दन का प्यार है जो हमको घर में नहीं बैठने देगा और कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचता है। और रही बात तो सामाजिक कार्य, ये तो हम करते ही हैं और आगे भी करेंगे। हमारे बुजुर्गों ने हम बात करें तो कुर्बानियाँ दी हैं। जब 47 में विभाजन हुआ, बहुत बड़ा विभाजन का दर्द हमारे बुजुर्गों ने सहा है। हमारे परिवार के दर्जनों लोग जो है वो मारे गए हैं उस समय, और वो पीड़ा सह करके और फिर आज इस मुकाम पर और पहुंचना, ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है। और हमारे बुजुर्गों ने तो वहाँ से अपने बुजुर्गों की अस्थियाँ, हड्डियाँ वो लेकर आए थे, राख सर पे उठा के आए थे, और वहाँ से तो बहुत बुरी हाल आपने सुना है, पढ़ा है। तो आज फिर यहाँ आकर के हमें अपने पूरे समाज का प्यार मिला है। यहाँ के समाज में एक चीज़ है, समरसता है। हमारे समाज में कोई यहाँ जातिवाद नहीं है, कोई ऐसी कोई विशेष आपस में खींचातान नहीं है, इसलिए ये सुंदरबनी को सुंदर कहा गया है। सुंदरबनी की धरती सुंदर है, ये वीरों की धरती है, ये और बुद्धिमान लोगों की धरती है, ये राष्ट्रभक्त लोगों की धरती है। आपने देखा होगा 1953 में भी यहाँ 3 हमारे वीर शहीद हुए और उनके परिवार के लोग ये बैठे हैं, उसी गांव में हैं, जिस गांव में आज सोद्रा में हम खड़े हैं, इसी गांव के हमारे एक शहीद, और उन्होंने उस समय भरपूर जवानी में 18 साल की उम्र में उन्होंने शहादत दी थी, किसके लिए, तिरंगे के लिए। तो यह सुंदरबनी की बहुत बड़ी महानता है, इसको मिनी केरल भी कहते हैं, इसको स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, और इसको जम्मू कश्मीर का स्वर्ग भी कहते हैं। जैसे धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर है, ऐसे जम्मू कश्मीर का स्वर्ग सुंदरबनी है। सुंदरबनी में सब लोग बड़े आपसी प्रेम, सौहार्द और एकता बना के रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। यहाँ अपना काम भी बहुत बढ़िया है समाज के। हाँ, यहाँ एक विशेषता है लोगों की, लोग यहाँ उसी को पसंद करते हैं जो जन सेवक के नाते लोगों में काम करता है। केवल किसी पार्टी का आप झंडा उठा के लाओ कि मैं आप कांग्रेस का हो गया तो लोग वोट देंगे, नहीं देंगे, चाहे इंदिरा गांधी आ जाए वोट नहीं देंगे। आप भाजपा का झंडा उठा के आओ चाहे और मोदी जी आ जाए तो भी लोग वोट नहीं देंगे। लोग वोट देते हैं आदमी को कि यहाँ ये शख्सियत कैसी है, क्योंकि लोग पहचानते हैं, हम लोगों के बीच रहे हैं, हम लोगों के बीच आज हम 50 के करीब करीब पहुँच रहे हैं, तो हम 35-40 साल से लोगों के बीच में हैं। लोग हमारा जीवन देखते, परिवार का जीवन देख रहे और हमारे कार्यों को लोग देख रहे, और हमने कभी स्वार्थ भावना से कार्य नहीं किया। जो भी काम किया होगा, लोग कहते हैं सुशील जी आप अपने नाम के लिए क्यों नहीं बात करते हो, हम अपने नाम की बात नहीं करेंगे, हम जो करेंगे जो समाज के हित में होगा। हमें कुछ नहीं बनना, हमें परमात्मा ने इंसान बनाया है, एक अच्छा इंसान हमको परमात्मा बनाए। हम अपने साथियों को, सहयोगियों को आगे प्रमोट करेंगे, जो जिनके मन में ये भावना है देश सेवा, समाज सेवा, हम उनको प्रमोट करेंगे, उनको आगे लाएंगे। कोई अच्छा आदमी आगे आता है तो वो समझो हम ही आएंगे, वो सुंदरबनी की जीत होगी। अगर कोई गलत आदमी जीत के आता है, कोई बेईमान, कोई भ्रष्ट आदमी जीत के आता है, तो वो सुंदरबनी की नाक कटवाएगा, वो सुंदरबनी की शान नहीं बनेगा। यहाँ सुशील कुमार जिंदाबाद नहीं है, यहाँ सुंदरबनी जिंदाबाद है। यहाँ अरुण कुमार जिंदाबाद नहीं है, यहाँ सुंदरबनी जिंदाबाद है। यहाँ तेल वाले जिंदाबाद नहीं है, यहाँ सुंदरबनी जिंदाबाद है। हमने एक नारा कहा, ठीक है, देश में चाय वाला, सुंदरबनी में तेल वाला, तो ये नारा लोग दे रहे कि उधर चाय वाला इधर तेल वाला, बिना तेल के चाय नहीं बनेगी भैया, तेल होगा तो चाय बनेगी, वरना। इसलिए आप अगर इग्नोर करोगे राष्ट्रभक्त लोगों को, अगर आप इग्नोर करोगे देशभक्त लोगों को, अगर आप इग्नोर करोगे जो निष्काम भाव से लोग लगे हुए हैं सबके कल्याण की कामना लेके, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास की जो परिभाषा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, उसको अगर कोई ग्राउंड पे और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है
तो वो अरुण कुमार शर्मा ही कर रहे हैं ना। आज तो लोग दिख रहे हैं बरसाती मेंढक हमको दिख रहे हैं, जब बरसात होती है ना तो गला फाड़ फाड़ के रेंगते हैं और फिर पूरे साल छुप जाते हैं। लेकिन हमने ना कभी हार देखी ना जीत देखी, हमने कभी ना दिन देखा ना रात देखी, हमने कभी ना गर्मी देखी ना सर्दी देखी है, हम लोग लगे रहे। क्यों? कि ये हमारा समाज है, अगर समाज दुखी है तो हम सुखी नहीं रह सकते, ये हमारे गुरु की शिक्षा है। जिस तरह सुशील जी आपने तिरंगे की बात की तो कहीं ना कहीं मन में दुख होता है, जो कि लोग पार्टियों में बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो उल्टा झंडा पकड़ के प्रचार करते हैं, गाड़ियों में उल्टे झंडे लगाकर अपनी छवि बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या वो देश हित के लिए कितना प्यार करेंगे जो झंडा नहीं उठा सकते? अब मुझे बताइए कहां देश हित हो रहा है, ये लोग अपने घरों को भर रहे हैं। आज पूरा जम्मू देखो, अब मैं क्या कहूँ इस समय, आज जो ये लोग दलाली करते हैं, वास्तव में एक शब्द कहूँगा, ये दलाल है, सत्ता के दलाल, चाहे वो भाजपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो और पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सब सत्ता के दलाल है। इनको अपनी कुर्सी चाहिए, इनको राष्ट्र से, देश से, समाज से प्रेम नहीं है। ये अपना झंडा डंडा जो है लोगों के बीच में लेके जाते हैं कि मुझे नमस्ते करो, मैं लीडर बन जाऊं। अरे तुम लीडर बन के क्या करोगे, बड़े बड़े लीडर आए यहाँ, तुम लीडर बन के क्या कर लोगे? अरे बनना है तो जन सेवक बनो ना, सेवा का भाव लेके आओ, लीडरी का भाव लेके क्यों आते हो? आप सेवक बनो ना, जनता की सेवा करो, जनता आपको कंधे पे सर पे उठाएगी, आंखों पे बिठाएगी। अरे आप जन सेवक बनो, आप नेता बनने आते हो, आप एक पार्टी छोड़ के और वहां कुछ नहीं मिला दूसरी में जाते हो, दूसरी में कुछ नहीं मिला तीसरी में जाते हो। अरे हमने विरोध किया, हमने क्यों किया कि अच्छा, हमने ये नहीं कहा कि हमें दो। सुशील कुमार ने आज तक कभी नहीं कहा कि मुझे कोई ओहदा दो, सुशील कुमार कहता कि अच्छे लोगों को आगे लाओ। आपने यहां से विधायक बना के भेजा, हमने भेजा ना, वो आज इंटरनेशनल मुद्दों की बात करता है, कहता है मेरे साथ इंटरनेशनल मुद्दे डिस्कस करो, लोकल मुद्दे डिस्कस ना करो। अरे भाई तुझे पहले लोकल तो, अरे प्रधानमंत्री कह रहे वोकल फॉर लोकल और तू इंटरनेशनल मुद्दों की बात कर रहा है, तू चाइना की बात कर रहा है, तू पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे मेरे भाई तू पहले तू कह रहा मुसलमान जय श्री राम बोलो, अरे तेरे कहने से मुसलमान जय श्री राम बोलेंगे क्या? अरे ये पढ़ाई है, अरे हमारे साथ मुसलमान है, हमारे साथ हजारों मुसलमान हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। अरे जय श्री राम तू जबरदस्ती बुलाएगा उनको? अरे अपनी अपनी उपासना पद्धति है, मैं बजरंग दल का कमांडर रहा हूँ, एक तरफ लश्करे तोयबा के कमांडर, एक तरफ जिहादी कमांडर, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी कमांडर था मैं, मेरा नाम बजरंगी कमांडर रखा था यहाँ का, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख का चीफ रहा हूँ। और उग्रवादी थर थर कांपते थे हमसे, आज भी हम जिस इलाका में जाएंगे तो उग्रवादी वो इलाका छोड़ के भाग जाते थे। वो कौन सी शक्ति? वो परमात्मा की, बजरंग बली की शक्ति और इस समाज की शक्ति हमारे साथ थी। और बड़ी संख्या में यहाँ का जो मुसलमान वर्ग है वो हमारे साथ उग्रवाद को समाप्त करने में लगा, उसका सहयोग। आज बड़े सारे मुसलमान भाई हमारे बजरंग दल में काम करते हैं और उनका नाम ले सकता हूँ मैं। आप जाओ साबजियां का अंदर, वो साबजियां का क्षेत्र पुंछ का मंडी का, वहाँ का कादर खान हमारा बजरंगी है, उसने सैकड़ों उग्रवादियों को मरवाया है। हमारा वली मोहम्मद वली देखो इस इलाके का धर्मशाल का, उसने दर्जनों उग्रवादियों को मरवाया है, तो क्या हम उनको बोलते जय श्री राम बोला? ये तो नालायक लोग आ सकता, और इन्होंने कुर्सियों पर बिठा रखे हैं जो किसी काबिल नहीं है, उनको जनता ने विधायक बना दिया। और हमारे सांसद महोदय देखिए, माननीय जुगल किशोर जी, अरे दो बार सांसद हो गए, तीन बार विधायक हो गए, और उनके घर में देखिए तीनों बीडीसी के चेयरमैन एनसी के, तीनों बीडीसी के चेयरमैन एनसी के। तो ये लीडरों की घर की ये हालत है। आज देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष की बात करिए, बात लंबी हो जाएगी राकेश जी। नहीं कोई बात नहीं, जेके न्यूज ऐसे लोगों को प्रमोट करता है। मैं कहता हूँ देखिए आज हमारा जो प्रदेश अध्यक्ष है रविंदर रैना, उसके घर का सरपंच, वो अपने सरपंच को नहीं जिता सका, कांग्रेस का सरपंच वहां जीत गया। उसका बीडीसी का चेयरमैन देखिए, उसके घर का चेयरमैन हार गया, वो एक इंडिपेंडेंट लड़का विकास, वो वहां से चेयरमैन बन गया। और आई डीडीसी में वही मोदी जी जो कहते हैं कि परिवारवाद की बात ना करो, और उनके चहेते रविंद्र रैना। अरे मोदी जी आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं मैं आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूं कि उसको क्या भाभी को ही टिकट देनी थी? क्या रैना को अपनी भाभी मिली और उसे काबिल कोई नहीं था क्या?
हैं, आप परिवारवाद की बात करते हो, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और पता नहीं कौन कौन सा परिवार, तो यहाँ कौन सा रहना परिवार आएगा क्या है? आप अपने ही घर में और परिवारवाद की बात चला रहे हो, अपनी भाभी को टिकट दे रहे हो घर में, क्या बाकी लोगों का अधिकार नहीं है? वह सारी भाजपा, पूरी भाजपा आज नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट से पूरी तरह से भाजपा खत्म है, और ये हमारा सारा खत्म करने का जो इसका ये जाता है श्रेय, मैं उनको श्रेय कहूंगा, ये हमारे अशोक कौल जी जो संगठन मंत्री हैं, केवल जम्मू के हितों को हनन करने में ये लोग जुटे हुए हैं, केवल और कश्मीर में जाके बैठे रहते हैं, और जम्मू की राष्ट्रपति जनता के हितों का हनन अगर हो रहा है उसके लिए अशोक कौल, रविंद्र रैना और ये लोग जिम्मेदार हैं। सुशील जी, जिस तरह से आपने कहा कि कहीं ना कहीं आज बीजेपी जो है अपने जो 25 साल के वर्कर हैं उनको उतारने में शर्म महसूस कर रही है, और बड़े बड़े ठेकेदार लोगों को जिनके पास पैसा है अभी भी वो चाहती है कि उन ठेकेदारों से कुछ पैसा लिया जाए, ताकि बिल्कुल बिल्कुल ले रहे हैं, ये लोग समाज को तोड़ रहे हैं, इन्होंने कालाकोट के अंदर दो सगे भाइयों को लड़वा दिया, एक भाई की हार्ट अटैक से मौत हो गई, ये हमको भी लड़वाना चाहते थे, ये मेरे पास भी टिकट लेकर आए थे कि आप भी भाई भाई लड़ो, लेकिन मूर्खो तुम यह नहीं समझते कि समाज इतना जाग चुका है, ये समाज को लड़वा रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं, हमने अपनी जवानी लड़ाई, हमारे बुजुर्गों ने अपना जीवन लड़ाया इस समाज को एक करने के लिए, इस समाज की एकता बनाए रखने के लिए, लेकिन ये तथाकथित नेता, ये भान नेता जिनको पता ही नहीं है राजनीति की एबीसी करना, ऐसे लोगों को मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इनको सत्ता के शीर्ष पदों पर बिठा करके और समाज का सत्यानाश कर दिया है। ये सारे भाजपा के वर्कर हैं जो हमारे साथ बैठे हैं, सब आरएसएस के, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के सब कार्यकर्ता हैं जो आज हमारे साथ चल रहे, ये इन लोगों से दुखी है। अगर ये मोदी जी बात सुन रहे हैं तो एक बार कान खोल के सुन लें, अगर कोई अधिकारी बात सुन रहा है, अगर आप जम्मू को बचाना चाहते हो तो ऐसे नेताओं को हटाओ जो परिवारों तोड़ रहे, इनको सिर्फ डोनेशन चाहिए। कालाकोट की बात करो, वहां से 5-10 लाख रुपए डोनेशन जाती है, वो एक रणधीर कुमार उसकी बीबी को इन्होंने टिकट दे दिया, दूसरा रशपाल सिंह एनसी का, वो एनसी के टिकट पे लड़ रहा है, ये उस परिवार को खत्म कर दिया इन लोगों ने। अरे ये कौन सी भाजपा आ गई है? हम ऐसी भाजपा की अपेक्षा नहीं करते, आज समाज भी ऐसी भाजपा की अपेक्षा नहीं करता था। 70 साल हमारे लोगों ने लगा दिए कि भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन नहीं, ये हमको बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, हमारे परिवार टूट रहे हैं, हमारा समाज टूट रहा है, और ये कहीं ना कहीं अगर कोई दोषी है तो ये वर्तमान जम्मू कश्मीर की भाजपा है। इस भाजपा को दुरुस्त करने का काम केंद्र को शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए। सुशील जी, जिस तरह से आखिरी सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो हमारे गवर्नर जो है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो कि मोहन सिन्हा जी, वो कश्मीर में जाकर कहते हैं कि आप बंदूक छोड़ो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और दूसरी तरफ रविंदर रैना जो कि पीएचई की एक होती है, वो लगातार 2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां जाकर कहते हैं कोई नहीं, जो भी उग्रवादी होगा उसके लिए गोली, शमशान और कब्रिस्तान होगा। क्या ये दो भाषा कहीं ना कहीं हमारे जो 65,000 वर्कर हैं उनके मन को ठेस नहीं पहुंचती? ये उन लोगों को गालियां दे देकर उनका असर इनके ऊपर हो गया, ये उन लोगों को गालियां देते हैं ना राष्ट्र, जिन्होंने कश्मीर को जलाया, जो आतंकवाद के जननी हैं और जो पालक हैं, उनको ये गालियां दे दे के उनका असर खुद ले रहे हैं, और उसका असर मैं देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हो रहा है। ये कश्मीर में जाते हैं उनको कंधा देते हैं, वहां से कोरोना लेके आते हैं, और जम्मू में भी लोगों को कोरोना ग्रसित कर रहे हैं, और वहां जाके कुछ और भाषा बोलते हैं। अभी मैं सुन रहा था इनको कि ये फारूक अब्दुल्ला को कोस रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला उधर कुछ बोलता है, टनल के इस पार कुछ और बोलते हैं। अरे भैया तुम क्या बोलते हो, तुम भी तो वहां जाके और भाषा बोल रहे हो, तुम वहां उग्रवादियों के पिल्लों को नौकरी दो और हमारे नौजवानों को, राष्ट्रभक्तों को जहर दो। हमारा डेली वेजर, हमारा जो पीएचई का वर्कर जो हमको पानी पिला रहा दिन रात, जो हमारा पीडीडी का वर्कर जो खंबे पे चढ़ के अपनी मौत और जीवन से खेल रहा है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनके बाजू कट गए, जिनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिनकी कमर टूट गई, उनको मिलने के लिए इनके पास समय नहीं, और ये उग्रवादियों को पिल्लों को नौकरी दे रहे हैं, और जम्मू के 1 लाख डेली वेजर जम्मू का आज अपनी तनख्वाह के लिए तरस रहा है, और तनख्वाह कितनी, 6,000-1,500, वो तनख्वाह नहीं है, लानत है इस गवर्नमेंट के ऊपर, लानत देता हूं मैं केंद्र सरकार को और लानत देता हूं मैं ड्यूटी के प्रशासन को। अरे
तीन सालों में तीन तीन गवर्नर चेंज हो गए या चौथे आए हैं? चार गवर्नर इन्होंने चेंज कर दिया, जैसे कोई चपरासी की ट्रांसफर भी नहीं होती है तीन सालों में। एक चपरासी भी तीन साल चार साल एक स्कूल में रहेगा, और एक गवर्नर को इन्होंने चपरासी से भी नीचे लाके खड़ा कर दिया है। मुर्मू साहब आए काम करने लगे थे, अरे मलिक साहब ने अच्छा काम किया, अरे उनको टिकने दो। पता नहीं कौन सी नीति है इनकी, ये पता नहीं कौन से POJK पे अटैक करके और क्या करेंगे POJK को लेके। जो हमारे पास जम्मू कश्मीर है वो तो इनसे संभाला नहीं जा रहा, और POJK की बात करते हैं, अरे POJK हम लेंगे, हम लाहौर में झंडा गाड़ेंगे, हम तुम नहीं ले सकते, तुम केवल बातें करते हो और झंडा लेके। अरे तुम राम राज्य की बात करते हो, तुम्हारे राज में लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, तुम्हारे राज में लोगों को दवाई नहीं मिल रही, तुम्हारे राज में लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, और तुम राम राज्य की बात करते हो। हमारे राम राज्य में एक सीता माता का हरण हुआ था राकेश जी, और लंका का तहस नहस कर दिया था, एक द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तो पूरे कुरु वंश का खात्मा कर दिया था। आज निर्भया कांड, आज यूपी कांड, आज बरेली कांड, आज राजस्थान कांड, अरे और आपका मुंह बंद, ये कौन सा राम राज्य है? मुझे कष्ट होता है, मुझे कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। सुशील जी जिस कष्ट होता है, इसी तरह हम एक दिग्गज नेता हैं, वो अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं, वो BJP के नेता हैं, उनके पास एक व्यक्ति जाता है कि भाई मेरी जो भाभी है उसका जो है मेरिट में नाम आ रहा है, वो जो अपनी फिजिकल टीचर में, तो पूछे कहाँ कहाँ लग रही है वो, है जी एक हाई सेकेंडरी में लग रही है, तो बाद में ऑर्डर आता है तो उनकी बीबी उसमें लगी होती है। क्या वो लोग जो बताते हैं कि हमारा काम करवाइए हम मेरिट में हैं, तो वो उनका काम नहीं अपने घर में ही खींचते हैं। दूसरी बात, एक बठा है जिसमें उसके कागजात कंप्लीट नहीं थे, तो हम ये सभी बातें जो है JK न्यूज सामने लाने वाला है, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारा भी विश्वास जो है बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे को 25% का पार्टनर रखो और मैं फाइल कंप्लीट कराऊंगा, तो वही बात हुई। आज वो उनका बच्चा 25% पे उस भट्ठे में बैठा है सिर्फ एक साइन की वजह से, तो क्या कहेंगे आप? मैं यही कह रहा हूं, इनके दोगलेपन की हद हो चुकी है। राकेश जी आप ठीक कह रहे हैं, विषयांतर हो जाता है, बात करते करते विषयांतर हो जाता है, विषय से मैं थोड़ा सा दूसरी साइड चला जाता हूं। बात इनके दोगलेपन की हो रही थी कि इनका दोगलापन अब इतना हो चुका है कि उसकी चर्चा करना भी व्यर्थ है। जनता जान चुकी है, जनता इनको इग्नोर करना शुरू कर गई है, इनके कारनामे जनता देख रही है। एक नेता नहीं, सारे के सारे नेता ही ऐसे ही, ये अगर पूरी लिस्ट गिनोगे ना, ये पूरा कुनवा ही ऐसा बेकार हो चुका है। मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा है कि देश तो कांग्रेस मुक्त हो गया पर भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई है। आज हमारे प्रभारी वो हैं जिनके खिलाफ हम यहाँ लड़ते रहे कभी, आज वो हमारे प्रभारी हैं जिनके खिलाफ यहाँ हम आवाज़ उठाते रहे, जिनके कारनामे जनता जानती है, जिनके काले कारनामे कहूँगा, जिन्होंने इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए कि पूरे के पूरे स्टोर कहाँ गए मेडिकल के दवाइयों के पता ही नहीं चला है, और ऐसे लोग हमारे प्रभारी बना दिए, अरे पूरे पूरे ब्लॉक को खा गए, ऐसे लोग हमारे प्रत्याशी बना दिए, और हम उस भाजपा की बात कर रहे हैं। अरे क्यों भाजपा को बदनाम कर रहे हो, अरे क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को आप और उस पर कलंक लगाने का काम कर रहे हो, क्यों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मेहनत को बेकार आप कर रहे हो, क्यों डॉक्टर हेडगेवार जी का जो लहू अंत समय में पानी हो गया था उसको आप उसको कलंकित करने का काम करने जा रहे हो। ये जम्मू कश्मीर के जो वर्तमान में नेता बैठे हैं ये भाजपा की नैया को डुबोने वाले हैं। बेशक जीत जाएं, जीतना कोई मैटर नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों से ये बाहर हैं, लोगों ने अपने दिलों से इनको बाहर बड़े दूर फेंक दिया है, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। मैं भी जनता के बीच रहने वाला हूँ, मैं घर बैठने वाला नहीं हूँ, मैं 365 दिन जनता के बीच रहने वाला आदमी हूँ, चाहे चुनाव हो या ना हो, लोग चुनावों में आते होंगे, मैं बिना किसी चुनाव के और बिना किसी और सब लालच के जनता के बीच हूँ, और मेरे जैसे कितने साथी जनता में हैं, और लोगों ने इनको दिल से, आज कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के देख लीजिए जो बगावत करके चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्यों? क्योंकि
अब भारतीय जनता पार्टी वो वाली पार्टी नहीं रही, अब ये उन लोगों की पार्टी हो गई जो कहते कुछ है करते कुछ है। इनकी करनी और कथनी में भारी अंतर है। इनके रहनी तो छोड़िए, रहनी तो है नहीं, अरे ये गर्मियों में भी भगवा छाल ओढ़ के फिरते हैं, मुझे ये बताओ। अरे अरे मूर्खता की भी हद होती है। अरे अभी सर्दी है ना तो मुझे ये लेना पड़ रहा है, अब ज़रा मैं गर्मी में भी इसको उठा के फिरूँ तो मुझे लोग मूर्ख पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये गर्मियों में भी गर्म शाल लेके और घूमते हैं। अरे मूर्खो, ये तुम्हारे इस अरे कोई गीदड़ कोई भेड़िया शेर की खाल पहन लेगा तो वो शेर हो जाएगा। आप मोदी बन जाओगे, आप योगी बन जाओगे। अरे उनकी करनी है, आप मोदी बनने जा रहे हो, योगी बनने जा रहे हो। अरे मोदी ने कुछ किया है देश के लिए? मोदी ऐसे नहीं पैदा होते, कभी कभार आते हैं। योगी ऐसे नहीं पैदा होते, ऐसे कैसे मोदी बन जाओगे छाल ओढ़ के? हैं भारत माता की जय बोल के झंडा तिरंगा जेब में रखा हुआ है और निकाल के घुमा लेते हो, कहते हो हम तो बड़े पूरे हिंदुस्तान को थाम रखा है। ऐसे नहीं होता राकेश जी, काम करने से होता है। आपको विधायक बनाया, आपको विधायक बनाया तो आपकी जनता आपके गुण गाना चाहती थी ना, आपकी एक एक बच्चा गुण गाए कि हमारा विधायक ऐसे हो। आज एक एक बच्चा कह रहा है कि ऐसा विधायक नालायक हमको नहीं चाहिए। आपको मेंबर पार्लियामेंट बनाया, इसलिए बनाया ना कि लोग कहें भाई हाँ ये मोदी के सैनिक हैं, ये मोदी के सिपाही हैं, ऐसा होना चाहिए नेता। अरे हमारे मेंबर पार्लियामेंट, नाम तो उनका सुबह का लेने वाला है लेकिन दर्शन करने का मन नहीं करता उनका, लोग इतने दुखी हैं। दो सेकंड टेनवर हो गया है, अगर मैं उनसे कहूं कि जुगल जी बताओ फलां इलाके में क्या समस्या है तो वो पहले उनको इलाके का नाम ही पता नहीं होता कि ये इलाका है कहां। अगर कोई आदमी जाता है हाँ भाई साहब मैं आपके साथ कार्य करता रहा हूं, इतना काम किया, कहते आप हो कौन, कहां से आए हो, मतलब ये तो हाल है हमारे नेताओं की। तो ये क्या मोदी जी का नाम और देश का नाम ऊँचा करेंगे, ये बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने मोदी जी का, देश का और पार्टी का। तो मैं तो कहता हूँ अभी भी समय है, अभी भी समय है, लेकिन ये समय बहुत जल्दी निकल रहा है और ये मौका फिर से मिलने वाला नहीं है। तो चलिए मैं तो यही दुआ करता हूँ परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे, ये भी दूसरे अब्दुल्ला और दूसरे मुफ्ती ना बने, ये भी परिवारवाद की राजनीति छोड़े और इससे ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी से जो लोगों को उम्मीदें हैं, जो देश की जनता ने जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं कि एक दिन आएगा कि अच्छे लोग सत्ता पे आएंगे तो वो सपना पूरा हो, इसलिए मैं इतनी ही बात कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा और आपका धन्यवाद करूंगा कि आप राजौरी से चल करके और ये शहीदों की धरती ये वीरों की धरती आप सुंदरबनी में आए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार लोगों की आवाज़ सच्चाई को और इसको बुलंद करते रहे ताकि हमारी जनता जो है वो किसी मुगालते में ना आए, गलत बहकावे में ना आए और हमारी जनता जो है वो अच्छे लोगों के साथ खड़ी हो ताकि हमें वास्तव में अच्छे दिन देखने को मिले, सबका साथ सबका विकास। अरे तब होगा, अरे आप ऐसे लीडरों को बना रहे हो जिनको पता ही नहीं है, ऐसे लीडरों को बनाओ ना जो मोदी जी की स्कीमों को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाने का दम रखते हों। ऐसे लीडरों को आप एमपी, ऐसे लीडरों को विधायक, ऐसे लीडरों को डीडीसी बीडीसी चुना चुन रहे हो जिनको इसका मतलब तक नहीं आता। तो वो मोदी जी की नीतियां तो बहुत अच्छी हैं, मोदी जी की नीतियों का कोई सानी नहीं है देश में, ये मैं आज खुले में कह रहा हूँ और सबके सामने कह रहा हूँ कि मोदी जी का कोई सानी नहीं है, मोदी जी की नीतियों का कोई सानी नहीं है, लेकिन आगे जो उनके सिपाही हैं वो नालायक हैं। हमारा जनरल तो अच्छा है लेकिन फौज हमारी जो है नालायकों की है, जिस कारण हमारे जनरल की भी बेइज्जती हो रही है और आज हमको और बगावत तो नहीं कहेंगे लेकिन आज हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, जो उनका बताया हुआ मार्ग है उसी मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो अंतिम आदमी है इस समाज का अंतिम आदमी उस तक हम पहुंचने का जो है वो पहल करें। इतनी बात कहता हुआ मैं अपनी बात को विराम देता हूं, धन्यवाद। जिस तरह से सुशील शर्मा जैसे, अरुण शर्मा जैसे और सुशील बजरंगी जैसे लोग हमारे साथ हैं तो जेके न्यूज ब्रेक हर वो अपडेट आपके